मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने कुछ बिंदुओं को लेकर मांग की है, देखें इस रिपोर्ट में। ज्ञापन में मांग की गई है कि भाजपा सरकार द्वारा किसान विरोध 3 बिल लाकर देश के किसानों को गुलाम बनाकर कृषि क्षेत्र में भी निजीकरण का रास्ता साफ करना चाहती है। इसीलिए इस देश का अन्नदाता सड़क पर उतरने को मजबूर हो गया है और दिल्ली पहुंचकर सरकार के किसान विरोध बिल के खिलाफ अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों के ऊपर डंडे बरसा रही है जो कि गलत है। इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के लोग SDM कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शिवराज प्रिपोदिया ने बताया कि किसान आंदोलन के समर्थन में ज्ञापन दिया गया है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दादा राजमणि पटेल जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में आज किसान आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में ज्ञापन दिया गया है। और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग की गई है कि जो हमारे किसान दिल्ली जा रहे थे उन पर लाठियां चार्ज और पानी की बौछार कर उनको आतंकवादी के रूप बना दिया गया है और उनको गोलियों के और CRPF पुलिस लगा दी गई है और जो किसानों की वहां पर आंदोलन दौरान मृत्यु हो गई है उनको जो है 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, किसानों की जो जायज मांगे हैं उनको माना जाए, तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस किए जाएँ और सरकार द्वारा नया कानून पारित किया जाए जिसमें MSP की गारंटी दी जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं द्वारा किसान विरोध काले कानून वापस लेने और नया कानून बनाने की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, विदिशा।